हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज बनाएंगे रवा या सूजी से बनने वाले मेदू बड़े। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कप सूजी ले रही हूँ एक बोल में, और इसमें मैं डालूंगी 3/4 का कर्ड या दही। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 छोटा प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक, 7-8 कड़ी पत्ते जिनको मैंने रफली चॉप कर दिया है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सब चीजों को कर देते हैं मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, और बस इसको अब हम मिक्स कर देंगे। इस बैटर की कंसिस्टेंसी हमें थिक ही चाहिए, अगर पतली होगी कंसिस्टेंसी तो बड़े बन नहीं पाएंगे। इसको मिक्स करके हम 15-20 मिनट का रेस्टिंग टाइम इसे देंगे, या एट द मोस्ट आधे घंटे का रेस्टिंग टाइम दे दीजिए, और उसके बाद हम इसके बड़े तलेंगे। आधे घंटे के बाद जब आप बैटर चेक करेंगे तो एक बार इसे मिक्स कीजिए और चेक कर लीजिए कि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा या पतला तो नहीं है। अगर बहुत पतला है तो इसमें थोड़ी सी सूजी मिक्स कर लीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट है, फ्री फ्लोइंग नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बड़े कैसे बनाने हैं। यहाँ पे पानी मैंने लिया है एक अलग से बोल में, हाथों को गीला कर लीजिए और थोड़ा सा बैटर यूं हाथों में ले लीजिए, और दूसरे हाथ की उंगली पानी में डिप करके उसमें एक छेद बना दीजिए। ये वड़ा रेडी हो गया है। एक और बना के दिखाती हूँ। हाथ पानी में डिप करके गीला कर लीजिए, थोड़ा सा बैटर हाथों में लेके दूसरे हाथ की उंगली गीली करके उसमें एक छेद बना लीजिए। और आप एक एक करके ये बड़े बनाते जाइए और गरम तेल में इन्हें ड्रॉप करते जाइए तलने के लिए। बहुत केयरफुली इन्हें तेल में ड्रॉप कीजिए। हमने बड़े बनाते वक्त हाथ गीले किए थे, इसलिए ये आराम से स्लाइड हो जाते हैं गरम तेल में। ये देखिए बड़े तलने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हैव पेशेंस और इन्हें मीडियम आंच पे ही सेकिए ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने और गोल्डन ब्राउन हो जाए इवनली हर तरफ से। ये अब रेडी हो गए हैं। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर ताकि इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। दीज आर रेडी टू बी सर्व। आप इनको चाहे तो सुबह ब्रेकफास्ट में सर्व कीजिए सांभर के साथ, या फिर नारियल की चटनी के साथ, या फिर शाम को आप चाय के साथ भी इनको एज इट इज एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक फॉर्क के साथ दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। आई होप यू कैन हियर दिस साउंड। ये बहुत यमी और डिलिशियस बनते हैं। इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कैसे बने। थैंक यू फॉर नाउ। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट बन सून। बाय बाय।